हमने घर लिया तो बड़ा मुश्किल था इसको रेनोवेशन करना, बिकॉज इसमें चिप्स लगे हुए थे और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो भी बड़ी वियर्ड आउट सी थी, इसकी एलिवेशन बहुत बुरी थी और हमें लग रहा था कि शायद हम इसके अंदर कुछ भी नया नहीं कर सकेंगे, बिकॉज आई थिंक ये 1986 का घर बना हुआ है. और फिर आई डिस्कस्ड इट विद अतीक, मैंने बहुत सारे आर्किटेक्ट्स थे उनसे मैंने मशवरा लिया, बट अतीक वॉज द गाय हु जस्ट टोल्ड मी कि हम कॉन्टेम्प्रेरी लिविंग में कैसे आ सकते हैं. आई वॉन्टेड अ किचन गार्डन, इस घर में जगह नहीं थी बिकॉज DHA की अपनी कुछ है कि आपने इतना इतना एरिया जो है वो आप लॉन के लिए रख सकते हैं. तो ही फाउंड द किचन गार्डन राइट मेरे गैराज के ऊपर, हमने इसको बकायदा इसकी वाटरप्रूफिंग कराई, एंड देन वी हैड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. जैसे फायर प्लेसेस का आइडिया अतीक का बहुत जबरदस्त था. फिर आई वॉन्टेड अ रूम एंड वॉशरूम दैट हैज टू बी वेरी यूनिक एंड डिफरेंट, बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्टेड टू लिव लाइक अ प्रिंसेस. तो जो मेरा वॉशरूम इन्होंने बनाया है वो बिल्कुल ऐसे ही, वो पहले स्टोर था उसको डिमोलिश करवाया है. स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो देखा कि इसको अब रेनोवेट करना है तो कौन सी दीवार को हम हटाएं, कौन सी को हम मेंटेन करें, रखें, रिटेन करें, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज किया. लोड बेरिंग वॉल्स को देखा कि हम कौन सी दीवार को हटा सकते हैं, किस दीवार को हम नहीं हटा सकते. तो फिर उसमें कम से कम चेंजेस किए हैं, मिनिमल स्ट्रक्चरल चेंजेस करके तो ये एक चीज़ डिवेलप की है. डोर्स की जो पोजीशनिंग थी वो ठीक नहीं थी, कोई प्रॉपर लिविंग स्पेस नहीं बनती थी. तो वो हर चीज़ को फिर एनालाइज करके प्रॉपर चीज़ें निकाली, हर कमरे के अंदर LCD वॉल बनाई, बेड की बैक वॉल बनाई खूबसूरती के लिए. जब हमने स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हम फिनिशिंग की तरफ आए. फिनिशिंग स्टेज पे क्योंकि हमारी थीम मॉडर्न थी तो हमने उसके अकॉर्डिंगली सारे मटेरियल की सिलेक्शन की, सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो डिज़ाइनिंग है, जो फीचर वॉल्स है, जो कुछ भी इसके अंदर एडअप किया, किचन डिज़ाइन हुआ, वार्डरोब्स हुई, बाथरूम्स हुए, तो वो सारे मॉडर्न थीम पे किए. और उसमें स्पेनिश टाइल्स लगाई हैं बाथरूम्स के अंदर, फ्लोरिंग सारी चेंज की. पहले बिल्कुल यूजलेस स्पेस थी टेरेस की, उसको हमने एक अच्छा बेनिफिशियल जो है वो स्पेस उसको बनाया जहाँ पे अभी हम बैठे भी हुए हैं. पोर्शन चूंकि वो पेरेंट्स का था तो दैट हैड टू बी वेरी सिंपल एंड डिसेंट. नीचे जो था वो चूंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह आती रहती हैं और आई वॉन्टेड, हाँ अनदर थिंग दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई वॉन्टेड कि जो पूरा घर है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा लाइट और रोशनी और हवा, बिकॉज वो जो बंद बंद घर हैं वो हम चूंकि वैसे ही कश्मीरी हैं तो हमें बड़ी खुली खुली जगह पसंद आती हैं. तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अतीक की लगी कि उसने पुरानी छोटी छोटी विंडो सारी बंद करा दी और एंड ही हैड सच बिग विंडोज. और आई थिंक एज अ होल अगर आप इस पूरे घर को देखें तो यू वॉन्ट फाइंड अ बेटर हाउस इन DHA बिकॉज इट्स अ कम्प्लीट हाउस इन वन केनाल. और द वे ही हैज यू नो इमेजिन एवरी थिंग, जैसे उन्होंने मुझे बताया था व्हेन द हाउस गॉट कम्प्लीटेड सारी चीजें वैसी. और बाइलाज को भी मद्देनजर रखा, जो DHA के हैं उनको भी वायलेट नहीं किया, और इस तरह से हमने ये एक अच्छी चीज़ डेवलप की है. ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट था रेनोवेशन का, तो और भी हमारी कोशिश होगी.